क्या कर ले। हेलो हेलो भाई साहब, हेलो, क्या कर रहे हो आप यार? देखो ये बंदर जो है हट नहीं रहा हमारे सामने से, हमें हॉर्न बजाना पड़ेगा इनके लिए। ये जो गार्ड है, हम गार्ड वगैरह कहाँ जा रहे हैं? गार्ड हर जगह नहीं खड़े रह सकते ना राजू भाई। गेस्ट हाउस रुकते लोगे आप? मतलब ये है कि आसपास अगर जैसे मान लो कोई रात को कोई अधिकारी अगर गश्त के अंदर आया, ट्रैकिंग के अंदर आया, तो रुक सकते हैं। इस चौकी के बाद से टहरा का जो रास्ता जाता है, ये पूरा का पूरा पहाड़ी रास्ता है। अब ये हम लोग पहाड़ के रास्ते जो है, इस पूरा मेरे सामने जो पहाड़ी दिख रही है, सब पूरा हम लोग भी क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ पे अक्सर लेपर्ड्स की साइटिंग हो जाती है, हालांकि टाइगर्स कम बने यहाँ पे इस एरिया में। टाइगर्स भी है लेकिन रुकते नहीं है, तो इस तरफ साइटिंग बहुत कम देते हैं, निकल जाते हैं। हाँ, साइटिंग कम देते हैं यहाँ पे टाइगर्स इधर, लेकिन लेपर्ड जो है वो अक्सर दिख जाते हैं। ऐसी थोड़ी सी गाड़ी रुकी है यहाँ पे, ये सब लंगूर जो है नजदीक आ गए गाड़ी के। ये सारे ये सोच रहे हैं ना कि कोई डालने का मिलेगा, इनको लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ इनको खाने के लिए डाल रहे, खाने का मिलेगा, कोई ना कोई कुछ देगा। बाइक से आ रहा था, अभी एक महीने का टाइम हो गया। हाँ। तो बाइक से आ रहे थे हम दो महीने के। हाँ। तो लेपर्ड था, इधर से पहाड़ी से नीचे उतर के रास्ते पे आ गए यहाँ पे। हाँ, आगे थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, देखा होगा मुझे। तो ये लेपर्ड काफी दिखते हैं यहाँ पे इस जगह पे। लेपर्ड का जो हैबिटेट है, अच्छा हैबिटेट है, है ना। हाँ, माउंटेन अच्छे है ना, रुक्स वगैरह जो रुक के एरिया है, इसलिए लेपर्ड का तो फेवरेट इलाका है। पहाड़ वहाड़ जहाँ रहते हैं वहाँ पर लेपर्ड रहता ही है इस जगह पे। अच्छा, यहाँ पे दिखा था लेपर्ड, ऊपर से कूद के नीचे गया। मैं जो पत्थर चुनाई हो रहे हैं ना आगे, वहाँ पे वहाँ आ गया था। कहाँ पे? सामने जो वो लगी हुई है दीवार लगी हुई है। हाँ, दीवार जमा हुआ है, चुनाई लग रहे हैं। हाँ, वहाँ पे था। अच्छा, लेपर्ड था यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बैठा हुआ था क्या? था नहीं, नीचे उतर रहा था, उतर रहा था, तो इसके ऑटो में आ गए। मैं गाड़ी लेके आ गया तो मुझे मुंह दिखा, मैं तुरंत रुक गया वहीं पे। हाँ। फिर वापस चढ़ गए उस तरफ। अच्छा, उस लड़के के पास में रुक गया। अच्छा, मैं निकल गया यहाँ से। अच्छा अच्छा, तो कौन सा दिन था वो? खाली डे था, सैटरडे ट्यूजडे नहीं था। अच्छा, तो आप बाइक लेके गांव वाले आए थे अंदर? हाँ, वो परमिशन लेके आ गए थे। अच्छा अच्छा, मैं इस तरफ से आया था। हेलो हेलो भाई साहब, हेलो, क्या कर रहे हो आप यार? खिलाओ मत इनको, खिलाओ मत, खिलाओ मत। गाड़ी नंबर RJ29UA। क्या कर रहे हो आप यार, समझदार होते हुए ऐसा मत करो यार। देखो ये बंदर जो है हट नहीं रहा हमारे सामने से, हमें हॉर्न बजाना पड़ेगा इनके लिए। बंदर सामने तरफ कूद रहे हैं।
होमगार्ड हर जगह नहीं खड़े रह सकते हैं ना राजू भाई, समझो हम सबको होमगार्ड बनना पड़ेगा, जैसे आपने मना किया ना, अच्छा किया, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग जो होते हैं वो, ये तो चलो राजस्थान की गाड़ी थी, हरियाणा होते तो झगड़ा करते हैं, उनको तो हर जगह झगड़ा करना है, दुनिया में आए हैं झगड़ा करने के लिए। हरियाणा की गाड़ी होती 100% वो बहस करते कि ऐसे क्या वैसे क्या क्या क्या, क्या हो गया, ऐसे कुछ ना कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा बात। पर फिर भी जैसे मान लो एक एक गाड़ी जो मतलब वो होती है पेट्रोलिंग गाड़ी होती है, उसको इस तरफ लगाई एक उस तरफ लगी, दो राउंड एक दो डेढ़ घंटे के अंदर दो राउंड लगाना चाहिए, ये बात जरूरी है। बस सही है, देखो पॉलिथीन फेंका हुआ यहाँ पे, प्लास्टिक का जो स्टाफ है काफी पड़ा हुआ है, यहाँ बंदर है उधर वहाँ प्लास्टिक फेंका हुआ है, तो कम से कम यहाँ बुला ले उनको, दो चार पांच स्टाफ एक्स्ट्रा सारे गेट पे ही खड़े हैं, पता नहीं कहाँ है, कुछ बैठे हुए थे ना उधर, फोन बजा रहा है, उसको पास लेना है यहाँ पे जंगल, सुकून से बिता के जाना, सही बात है। अब हॉर्न बजा रहे हैं यहाँ पे, बताओ मतलब आराम से चलो यार, धीरे धीरे चलो, नेचर को एंजॉय कर लो, हम भी कर रहे हैं तुम भी करो, साइड लगा कर दे 205 जा ना, तू निकल जा, ट्रेन छूट रही है तेरी यार, ये देखो हॉर्न बजा रहा है, ये एचआर नंबर ना, ये देखो एचआर नंबर, इन्हीं की परेशानी होती है, हर जगह जाना भी इन्हीं को है, हमको बंबू गतनी पड़ती है, हम यहाँ के लोकल रहने वाले हो गए, हाँ। तो ये हमारे ऊपर भी आता है कि यार लोगों से मतलब परेशानी होती है, टाइगरों को डिस्टर्ब होता है, हालांकि हम नहीं करते हैं क्योंकि हम एक लोकल लोकल नहीं करते, करते हैं ये जो वहाँ से आ रहे हैं, ये उल्टा कहाँ से आ रहा है, लोगों को कौन समझ रहे, हालांकि इनको रूल कार्ड दिया जाता है, रूल कार्ड के अंदर सारी चीजें लिखी हुई, रूल कार्ड में पढ़े तब ना टोटल चीजें होती है उसके अंदर। राजू भाई ने रूल कार्ड की बात की तो मैं दिखा दूं कि ये रूल कार्ड होता है जो जंगल में घुसने से पहले सबको दिया जाता है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, और ये गेट नंबर 1 से हमने लिया है, हम अभी गेट नंबर 2 से निकलेंगे, तो इसको जमा कराते हुए निकलेंगे, तो क्या हो गया राजू भाई ने ध्यान दिया अभी कि यहाँ के पेड़ों में पत्तों में पत्ते नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सा, और ऐसा लग रहा जैसे धूप ऐसा फॉरेस्ट होता है, देखो कितनी बारिश हुई है, कितने घास वास कितने हो गए, और ग्रीनरी थी, मैं देख रहा था, अच्छा ग्रीनरी थी अभी, लेकिन यहाँ सारे पत्ते जो है अभी फिलहाल सारे सब ब्राउन ब्राउन से हो गए, खाली खाली से हो गए, सिर्फ इसी जगह पे, बाकी और जगह पे है पत्ते, जो पेड़ है ना उनके ऊपर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया, बूंदे होती है ना, एक तो मोटी बूंदे होती है और उनके साथ में अगर हवाएं चलने लगेगी तेज हवा तो पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ये बिल्कुल ही खाली खाली सा हो गया यहाँ, बाकी जगह तो देखो पत्ते हैं, इधर कुछ कुछ पेड़ों जो छोटे छोटे जो पत्ते निकलते हैं इसके, पूरा ग्रीन पूरा झड़ गया, पूरा ग्रीन था, तो अभी देखा अंधेरा अंधेरा से, तो मैंने खुद देखा हुआ है कुछ दिनों पहले, देखा था उस समय हल्की बारिश ही हुई थी, लेकिन पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया था यहाँ पे, वही तो कह रहा हूँ, अभी देखो कैसे छना वासा हो रहा है सब कुछ, खोखला खोखला जैसा हो गया, मॉन्टल रिजॉर्ट दिखी है अभी, मॉन्टल रिजॉर्ट यहाँ पे बहुत सारी है, अच्छा मॉन्टल रिजॉर्ट यहाँ पे थी, निकल गई, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था, ओ यहाँ गैप है ना पीछे में, गैप है, पीछे करने के बाद ये देखो, ये वाले गैप से वो निकल गई, दोनों देते हैं, तो इसी तरफ होता है सेटिंग, इन्हीं जगह पे इस एरिया तक आते हैं, अच्छा इसके पीछे जो पहाड़ है उसको पहाड़ के उस तरफ बगानी एरिया है, हाँ हाँ वो उसका फेवरेट है, अच्छा तो सफारी क्या मतलब नीचे भी होती है, इस पहाड़ी पे ही होती है सर,
यहाँ तक होती है सफारी। अच्छा। उस पार्ट के उस तरफ पे जो है ट्रक है उधर भी गेट नंबर दो है टेला वाली गाड़ी। हाँ उस रूट पे जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये हम लोग अब टाइगर रिजर्व के दूसरे गेट पे आ गए हैं, गेट नंबर दो है और यहाँ से हम लोग अब एग्जिट करेंगे। गेट थोड़ा सा आगे है, यहाँ कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, यहाँ पे चौकी है। हालांकि आगे अभी एक गेट और आएगा, ये एक छोटा गेट है, एक गेट इसके बाद एक और आता है। और अभी यहाँ से इस गेट से हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे भी चौकी है, यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है, लेकिन अभी हम धीरे धीरे इस गेट से बाहर निकल जाएंगे। गेट नंबर दो टहला। हालांकि यहाँ पे कंपैरेटिवली कम गाड़ियाँ हैं। तो ये था ड्राइव जंगल के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व में मॉनसून के टाइम में। उम्मीद करता हूँ कि ये साइड में देखो ये काउंटर्स हैं, जंगल चौकी है, काउंटर है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो डू सब्सक्राइब रोड ऑन स्टार। थैंक यू वेरी मच।